नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैलेश। दोस्तों आज बात करते हैं कि शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट के वो दो गोल्डन रूल कौन से हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, लेकिन डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आप लोग बोलेंगे ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल रूल है, लेकिन ये सिंपल रूल ही आपको अमीर बना सकता है। सबसे पहला रूल, अपने पैसे को शेयर मार्केट में मत गंवाइए, यानी कि लॉस मत होने दीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों शेयर मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी कुछ है अवेलेबल, इंट्राडे है, शॉर्ट टर्म है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। 90% नुकसान होगा, 10% फ़ायदा होगा। इसलिए शॉर्ट टर्म को भूल जाइए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये कम से कम 10 से 15 साल आपको, जब आप पेशेंस रखेंगे, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आप इसमें पैसा कमा सकेंगे। दोस्तों मैराथन रेस में जो स्टार्टिंग में फर्स्ट भागता है वो बाद में हार जाता है, लेकिन कंटिन्यूस स्टडी जो भागेगा वो कम से कम मैराथन रेस पूरी तो करेगा, यानी कि उसको ये सेटिस्फेक्शन ज़रूर होगा कि भाई मैंने अपने रेस पूरी कर दी। हो सकता है वो फोर्थ आए, फिफ्थ आए, या थर्ड आए, या सेकंड आए। तो ये था पहला रूल। दूसरा रूल है कि जितना हो सके पेशेंस रखिए। जितना आप पेशेंस रखोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि पैसा तभी बनेगा जब आप पेशेंस रखोगे। पैसा अगर आपने निकाल दिया, अगर आपको थोड़ा लॉस हो रहा है तो अगर आपने निकाल दिया तो फिर तो गए काम से, तो मुद्दल भी नहीं बचेगा। बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना क्या है, शेयर मार्केट हमेशा डायरेक्ट ऐसे नहीं जाता, ऐसे अप डाउन करके ऊपर जाता है। यानी कि आप सोच के रखो कि ये कितना ही इफ़ेक्टिव है। पैसा डालो, भूल जाओ 10-15 साल के लिए, तो ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो आपका पैसा बनेगा ही नहीं। ये बात लिख के रख दो। तो लॉन्ग टर्म और पेशेंस, ये दो ही रूल है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक में ही दूसरा रूल है और दूसरे में ही पहला रूल है। देखा जाए तो दोनों रूल एक ही है। इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और पेशेंस रखिए। नुकसान होता है तो थोड़ा पेशेंस रखिए, पैसा मत निकालिए, 10-15 साल भूल जाइए, उसके बाद ही आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा। म्यूचुअल फंड का भी ऐसा ही है दोस्तों। म्यूचुअल फंड ने आप में भी आपको 10 साल के बाद अच्छा रिटर्न आएगा। 10 साल आप पेशेंस रखेंगे तो अच्छा रिटर्न आएगा। अगर वैसे 2-3 साल में अगर आपने निकाल दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, इसमें आपको ये सब रखना ही पड़ेगा। एक छोटा बच्चा ग्रेजुएशन कंप्लीट तक 20-22 साल निकल जाते हैं, उसके बाद भी नौकरी मिलती नहीं है, उसके बाद भी 2-3 साल तो धक्के खाता है नौकरी के लिए। यहाँ भी ऐसा ही है दोस्तों, यहाँ भी आपको 15-20 साल का टारगेट पकड़ के रखना है, तो ही आपको आपका जो पैसा है वो 100% तक जा सकता है। बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। शेयर मार्केट यानी ये नहीं कि भाई आप डाल दिए, 2-6 महीने में डबल, 1 साल में डबल, 3 साल में डबल, ये सब धोखे हैं। इस धोखे में बिल्कुल मत पड़िए। जहाँ तक हो सके आराम से शेयर मार्केट में सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। कुछ लोग तो होते हैं जो पेनी स्टॉक ख़रीद लेते हैं, जिस शेयर का भाव 25 रुपया है, 50 रुपया है, अंडर 100 रुपीज़ है, लेकिन उसको भी डबल होने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी तो 10 साल भी निकल जाते हैं। लेकिन स्टॉक ख़रीदना भी एक आर्ट है दोस्तों, बहुत सोच समझ कर स्टॉक ख़रीदिए, क्योंकि
पैसा एक ही बार आता है और जाएगा भी तो एक ही बार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो पर। और आपके कुछ अगर डाउट्स है कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।